अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 13B का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 के आगे जितने भी क्वेश्चन हैं मैं एक एक करके उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम पे गौर करें तो हमारे पास टू पैरेललोग्राम डायग्राम बन रही हैं। एक तो है ए बी एफ जी और सेकेंड है सी डी ई एफ। और इन दोनों का जो एरिया का सम है वो हमारे पास गिवन है 702 मीटर स्क्वेयर है। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो इसका मेरे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्यों करना है वो आगे मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद जो हमारे पास यानी सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जो इसका एरिया दिया हुआ है ना, इन दोनों का जो सम है वो 702 है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको 2 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद जो बी सी का हाफ है वो क्या है, जी एफ है। यानी जी एफ की वैल्यू बी सी का हाफ है। तो गिवन हमारे पास है कि जी एफ की वैल्यू 27 मीटर है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये बी सी का हाफ है ना 27, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी सी की वैल्यू 54 मीटर आ जाएगी। तो हमने इसका जो है वो एरिया हमने फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बी एच। तो बेस बी मतलब बेस की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमने हाइट की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हाइट की वैल्यू हम सबसे पहले इसकी मदद से हम हेल्प लेंगे और हम हाइट फाइंड करेंगे और आगे फिर इसका एरिया को हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, इसका हमारे पास एरिया भी आ गया और इसकी बेस भी आ गई। तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम होती है डायग्राम, उसका जो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है वो है बी एच। यानी हमारे पास बेस भी है, एरिया भी है, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा और हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम हाइट को फाइंड करते हैं। अभी हम पैरेललोग्राम का जो फार्मूला है इसको यूज़ करते हुए हम एच की वैल्यू को फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इसका एरिया को फाइंड करने का फार्मूला होता है ना वो होता है 1/2 बी एच। तो बेस हमारे पास है, हमें हाइट चाहिए। तो हाइट हम इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एरिया इसका हमारे पास गिवन है। 702 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास इस वाली डायग्राम का मेरे पास क्या आ गया है, एरिया आ गया है। क्योंकि इन दोनों का जो सम था ना वो था 702, तो ये 2 डायग्राम थी, मैंने 2 से डिवाइड कर तो मेरे पास इसका एरिया आ गया है। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 351 मीटर स्क्वेयर आ गया। ठीक है, तो ये बी एच है। तो बेस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 27 मीटर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 27। ठीक है, एच एच को हमने फाइंड करना है, मतलब कि हाइट इक्वल एरिया। ये पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास गिवन है 351, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 351 आ जाएगा। हमने एच की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो एच इक्वल आ जाएगा जी 351 ओवर 27। तो अगर मैं 351 को 27 पे डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 13 मीटर आ जाएगा। ठीक है, h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है जी, 13 मीटर आ गई है। अगर ये टू लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये एरो जो है ये शो कर रहे हैं कि ये टू लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अगर इसकी हाइट 13 मीटर आई है तो इसका मतलब यह है कि इसकी हाइट भी कितनी होगी, 13 मीटर ही होगी। क्योंकि ये टू लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। अगर इसकी हाइट 13 मीटर आई है तो यहाँ पर भी 13 मीटर होगा, यहाँ पर भी 13 मीटर होगा और यहाँ पर भी 13 मीटर होगा। तो हमारे पास बेस भी गिवन है ट्राइंगल की और हाइट भी गिवन होगी, वो कितनी आई है, 13 मीटर आई है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का हम एरिया को अभी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ फार्मूला। अभी देखें स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बी एच है। तो यहाँ पर हमने इसका एरिया को फाइंड करना था ना, जो शेडेड रीजन था, तो यहाँ पर आ गया जी 1/2 बेस। तो बेस हमारे पास गिवन है 54 मीटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 54, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट हमारे पास अभी गिवन आई है वो कितनी आई है, 13। तो यहाँ पर आ गया जी 13 आ गया। तो 2 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी इनको मल्टीप्लाई कर लें, बाद में 2 से डिवाइड कर लें, या 2 1 2 2 2 4 होता है और ये होगा जी 14, 2 7 14, 27 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 27 मल्टीप्लाई 13। तो इनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है जी 351। यानी यहाँ पर आ जाएगा जी मीटर स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर में वैल्यू है ये भी और ये भी, तो ये मीटर स्क्वेयर आ जाएगा।
तो जो शेडेड रीजन था इसका जो एरिया हमारे पास आया है वो है 351 आया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये हमारे पास बेस गिवन है, ये टू हमारे पास इन दोनों का जो सम है एरिया वो है 702 है, इसको टू से डिवाइड करना है, एक एरिया हमारे पास आ जाएगा, बेस भी है और एरिया भी है। इसको यूज़ करते हुए हमने हाइट को फाइंड करना है। जब हाइट आ गई है तो ये टू लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो यहाँ पर जितनी हाइट है उधर ही इतनी होगी, ठीक है। तो अगर ये 13 मीटर हमारे पास हाइट आई है तो ट्राइंगल की हाइट भी कितनी होगी, 13 ही होगी। बेस गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो इसका हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं ये फार्मूला लगा के, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। तो इसके अंदर हमारे पास एक रिक्टेंगल दी हुई है, तो रिक्टेंगल का मतलब यह है कि इसकी 4 साइड्स होती हैं और टू टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखें ये 10 सेंटीमीटर थी और ये 15 सेंटीमीटर है, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये 25 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो ये जो साइड है ये भी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये 26 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास उसने ये वाली वैल्यू नहीं दी हुई। अगर ये 2 सेंटीमीटर गिवन है तो ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, 5 और 2 को ऐड किया तो 7 हो गया, 26 में से 7 को मैंने माइनस किया तो ये 19 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो एक तो 25 सेंटीमीटर ये मैंने अपनी तरफ से इसको लिखा है, उसके बाद 26 इन दोनों को ऐड करके मैंने अपनी तरफ से लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में इजी हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू है 19 सेंटीमीटर इसको मैंने फाइंड किया है क्योंकि ये और ये साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ये 26 सेंटीमीटर है, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर हमने शेडेड जो रीजन है उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके अंदर जो ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास ट्राइंगल है। अगर सबसे पहले हम टोटल एरिया को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो टोटल एरिया को फाइंड करने के बाद इसका एरिया को फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, फिर उसके बाद ये सर्कल है, उसके बाद ये ट्राइंगल है। अगर इन तीनों का एरिया को हम फाइंड करें और टोटल एरिया में से माइनस कर दें तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो टोटल एरिया है उसको हम फाइंड करेंगे। तो देखें जो टोटल एरिया है इसका, रिक्टेंगल का टोटल एरिया को फाइंड करने का फार्मूला होता है एल बी, यानी कि हमारी जो लेंथ है और विड्थ है इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सर्कल, ये वाला सर्कल है, तो सर्कल का फार्मूला हमारे पास होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और उसमें से इसका एरिया को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक क्या है, ट्राइंगल है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 BH, तो ये हमारे पास बेस हो जाएगी और ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। इसका हम इजीली इसका जो है एरिया को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो ये तो हमारे पास बेस है, ये मैंने अपनी तरफ से ये लाइन लगाई है क्योंकि जो लाइन बनाती है लाइन, यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है लाइन, वो हमारे पास हाइट होती है, वो जिसके ऊपर बनता है वो होती है बेस। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर ही हाइट इसकी होगी और ये जो बेस है ये हमने फाइंड की है 19 सेंटीमीटर। तो सिंपल हमने क्या करना है, रिक्टेंगल का जो टोटल एरिया होगा उसमें से सर्कल का जो है एरिया उसको माइनस करना है, और ट्राइंगल का जो एरिया उसको माइनस करना है, और पैरेललोग्राम का जो एरिया उसको हमने फाइंड करना है। तो अभी मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ आएगी कि शेडेड रीजन को हम कैसे फाइंड करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, रिक्टेंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला है एल बी, माइनस हम कर देंगे सर्कल का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल का जो एरिया होगा 1/2 BH, माइनस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा BH, यानी इन तीनों का जो एरिया होगा उसको हम माइनस कर देंगे रिक्टेंगल का जो एरिया होगा उसमें से, तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है ये वाला आ जाएगा, यानी इसका, इसका और इसका तीनों का हम अब एरिया को फाइंड करेंगे। ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इन तीनों का जो एरिया होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। अभी हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो अभी देखें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, ठीक है। तो देखें ये 25 है और ये क्या है, 26 है। तो सबसे पहले ये रिक्टेंगल है ना,
तो इसके जो लेंथ और विड्थ है इसको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 25, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 25 मल्टीप्लाई 26, और यहाँ पर आ गया जी माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी आगे सर्कल है ना, तो सर्कल का फार्मूला है, सर्कल का जो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 3.14, ये हम पढ़ते आए हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। आर स्क्वायर, आर मतलब ये इसका रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई 4। तो फिलहाल मैं अभी इसका 4 का स्क्वायर ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास इसका रेडियस दिया हुआ है। उसके बाद आ गया जी माइनस 1/2, अभी जो ट्राइंगल है इसका फार्मूला 1/2, ये 1/2 आ गया बेस, तो इसकी बेस हमारे पास गिवन है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये ट्राइंगल है इसकी बेस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसकी जो बेस है वो आ गई जी 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये गिवन है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो आ जाएगी जी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आ गया जी माइनस पैरेललोग्राम का जो एरिया का फार्मूला है वो है BH। अब हमारे पास ये हमारी बेस हो गई क्योंकि ये जो लाइन मैंने खुद से ड्रा की है ये इस पे 90 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है, जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल होता है ना वो हमारे पास होती है बेस। तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो है 19 सेंटीमीटर, तो टोटल हमारे पास 26 है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सम की और माइनस की, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, ये है 19 सेंटीमीटर। तो इसकी जो बेस है यानी बेस हमारे पास कितनी आ गई जी 19 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट हमारे पास ये मैंने एक लाइन ड्रा की है ना खुद से, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है तो ये टू लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, जो लाइन बनाती है एंगल तो वो होती है हमारे पास हाइट, तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई है जी 10 आ गई है। तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले आप इसका जो है वो एरिया फाइंड कर लें, फिर इसका कर लें, इसका कर लें, इसका कर लें, और इन तीनों को ऐड करें और इसमें से माइनस कर दें। तो एक ये भी मेथड है, ये थोड़ा सा ईजी है कि आप सबसे पहले सब फार्मूलाज लिख लें, उसके बाद वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो इससे ये है कि मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब 25 को 26 से हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया जी 650, यहाँ पर आ गया जी 650 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आ गया जी माइनस, ये 3.14 है, ये 4 का स्केयर आ जाएगा, 4 का स्केयर कितना होगा हमारे पास 16, यानी 4 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई 4 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 50.265। ठीक है, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 4 का स्केयर 16 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ गया जी माइनस 2 1 2 2 6 कितना होता है जी 12 होता है। अभी 6 को 15 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 90 आ जाएगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना आ गया जी 90 आ गया। यहाँ पर आ गया जी माइनस, अब 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 190 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब 650 में से माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू, फिर करेंगे माइनस ये वाली वैल्यू, फिर करेंगे माइनस ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 319.73, और साथ में आ जाएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। तो इसका आंसर ये भी है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू पॉइंट से आगे क्या है, 7 है, अगर ये 5 से बिग डिजिट हो तो इस इधर एक जो डिजिट है वो बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3, ये 19 है तो यहाँ पर आ जाएगा जी 20 आ जाएगा, यानी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने इनको सोल्व करना है, उसके बाद 650 माइनस ये वाली वैल्यू, फिर माइनस ये वाली वैल्यू, फिर माइनस ये वाली वैल्यू, तो सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी, ये था इसका ए पार्ट, और अभी हम इसका करते हैं बी पार्ट। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है इसके अंदर अगर हम गौर करें तो ये जो डायग्राम है ये हमारे पास है ट्रापीजियम है,
तो इसका हमने जो शेडेड रीजन है इसका हमने एरिया को फाइंड करना है, और जो सर्कल है इसका हम एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। तो टोटल जो है एरिया को फाइंड करने का जो फार्मूला है ट्रापेजियम का वो है 1/2 इंटू ए प्लस बी एच। तो ये टू लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है ना, तो ये वैल्यू ए की हो जाएगी, ये बी की ही हो जाएगी, ठीक है। ट्रापेजियम के अंदर जो टू लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं वो ए बी कंसीडर होती हैं, और एच की वैल्यू जो वैल्यू 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो वैल्यू हाइट होती है। तो ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन, तो ये जो इसकी हाइट हो जाएगी। और जो सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो है पाई आर स्केयर, तो पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 होती है, और आर यानी कि रेडियस वो भी गिवन है। तो सिंपल हम इसका जो है सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रापेजियम का एरिया आ गया है और ये है सर्कल का एरिया है, यानी जो टोटल एरिया होगा उसमें से हम जो सर्कल का एरिया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी 1/2 इन टू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 18 और बी की वैल्यू आ जाएगी 35। तो यहाँ पर आएगा जी 18 प्लस 35 मल्टीप्लाई एच, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 18 है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 18 माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है जी 3.14 मल्टीप्लाई आर, तो आर हमारे पास गिवन है रेडियस, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 6, ऊपर इसका स्केयर है तो यहाँ पर इसका स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखें ये 2 1 2 2 9 कितना होता है जी 18 होता है, तो इन दोनों को ऐड किया वैल्यूज़ को 18 प्लस 35, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 53 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पर आ गया जी 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया जी माइनस 3.14 मल्टीप्लाई 6 का स्केयर कितना होता है जी 36 होता है। तो अभी 53 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा जी 477 माइनस, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 113.04। तो 477 में से माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 363.96। तो ये देखें ये पॉइंट के बाद 96 है, ठीक है, यानी 96 है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 364 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 364 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ गया है, ठीक है। टोटल एरिया को फाइंड किया, माइनस हमने कर दिया जो सर्कल का एरिया है उसको, तो ये हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट को सोल्व किया था तो सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 भी है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ट्रापेजियम है, तो ट्रापेजियम ये कैसे है, क्योंकि इसके अंदर जो टू लाइंस हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। तो जिस डायग्राम के अंदर टू लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, वो क्या होता है, ट्रापेजियम होता है। एक तो ट्रापेजियम है और सेकंड इसके अंदर सेमी सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, एक सेमी सर्कल है। उसके बाद जो थर्ड इसके अंदर डायग्राम है वो हमारे पास क्या है जी, पैरेललोग्राम है। तो उसके अंदर यानी कि उसके अंदर ट्राइंगल थी और कंप्लीट सर्कल था, लेकिन इसके अंदर क्या है, पैरेललोग्राम है और सेमी सर्कल है, और इसका हमने जो शेडेड रीजन है उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया है उसको फाइंड करेंगे और उसके बाद इसका जो एरिया है उसको फाइंड करेंगे और टोटल में से इन दोनों के जो एरियाज़ होंगे उनको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इसके अंदर जो चीज़ एक समझने वाली है वो ये है कि ये हमारे पास ए की वैल्यू कंसीडर होगी, क्योंकि ये टू लाइन आपस में पैरेलल है ना, तो ट्रापेजियम का जो फार्मूला होता है एरिया को फाइंड करने का वो होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी एच। तो इसके अंदर हमने देखना है कि हाइट क्या है, उसके बाद ए और बी की वैल्यू क्या है। तो अगर हम गौर करें तो देखें, सबसे पहले चलो मैं फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद आगे जो जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं उनको हमने कैसे सेट करना है वो मैं जो फार्मूला में जब पुट करूँगा तो आपको समझ आएगी, ठीक है। तो अभी हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये ट्रापेजियम का फार्मूला है एरिया को फाइंड करने का, इसमें से हमने माइनस कर दिया सेमी सर्कल का जो एरिया होगा उसको, उसके बाद माइनस हम कर देंगे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है,
अभी हमने इसको देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से लेनी है, ठीक है। तो उसको मैं अभी पुट करता हूँ तो आपको समझ आएगी। देखें यहाँ पर आ गया जी वन ओवर टू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू वो हम लेंगे जो टू लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये टोटल हमारे पास ट्रापेज़ियम है, ये लाइन, ये एरो और ये एरो, ये शो कर रहा है कि ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये ए की वैल्यू कितनी आ गई जी 15 सेंटीमीटर आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक जो बी सी की लेंथ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आ गया जी 15 प्लस बी, तो बी की वैल्यू ए ई होगी, ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ए ई की जो वैल्यू है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक है 12 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक है 13 सेंटीमीटर। अगर हम इसको टोटल ऐड करें तो ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर बनता है। तो ए और ई की टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर, यानी बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हमने हाइट को देखना है ट्रापेज़ियम के अंदर, जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो हमारे पास होती है हाइट। तो अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और जो ए बी है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन, तो इसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो हाइट है तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी जी 24 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जी माइनस, ये सेमी सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी है जी 3.14 मल्टीप्लाई आर। तो अभी हमने देखना है कि आर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना है 15 सेंटीमीटर है ना, तो या जो उसका होता है रेडियस होता है वो हाफ होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एक सर्कल है ना हमारे पास, ये सेमी सर्कल है तो ये ऐसे कंप्लीट एक सर्कल बनेगा। तो इसका जो ओरिजिन है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल वैल्यू कितनी है 15 है ना, तो उसका जो रेडियस, ये हमारे पास डायमीटर है, तो इसका जो रेडियस होगा वो डायमीटर का हाफ होगा, यानी 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा, यानी 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 7.5 आएगा। तो इसका जो रेडियस है वो 7.5 हम लेंगे, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी 7.5 आ गई, ठीक है। आपने 15 नहीं लिखना क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका जो रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा 7.5 बनेगा, इसका हाफ बनेगा, टोटल डायमीटर है हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। अब ऊपर इसका स्केयर है तो हमने ऊपर स्केयर लगा दिया, ठीक है। ओवर आ गया जी 2 आ गया, क्योंकि ये सेमी सर्कल है ना, तो कंप्लीट सर्कल का होता है पाई आर स्केयर, सेमी सर्कल का मतलब ओवर हम कर देंगे 2, यानी उसका हाफ कर देंगे सर्कल का। तो यहाँ पर आ गया जी माइनस, यानी ये पैरेललोग्राम का एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है बी एच। तो अभी हमने देखना है कि जो जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है पैरेललोग्राम के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। तो जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है इसके ऊपर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास बेस कंसीडर होगी। ये कितनी है 13 सेंटीमीटर है, तो बी की यानी बेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। और उसके बाद हाइट, जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो हमारे पास हाइट होती है पैरेललोग्राम के अंदर। तो ये जो एफ डी है यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये गिवन है कितनी है 16 सेंटीमीटर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, तो ये कितना है जी 16 सेंटीमीटर है। तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अभी सिंपल इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पर आ जाएगा जी वन ओवर टू, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो यहाँ पर आ गया जी हमारे पास 40 और यहाँ पर आ गया जी 24, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। माइनस 3.14 मल्टीप्लाई, अब 7.5 का स्केयर लेंगे, यानी 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, तो ये आ जाएगा 56.25 ओवर, ये जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा जी 2 माइनस, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 16, तो ये आ जाएगा जी 208 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब ये 2 वन ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 होता है। अभी 12 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 480, यानी कि 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 और ये 0 आ गया, यानी 480 आ गया। और यहाँ पर आ गया जी माइनस, अब 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 56.25 के साथ,
तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 176.625 ओवर यहाँ पर आ गया जी 2 माइनस यहाँ पर आ गया जी 208 आ गया। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये 480 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर आ गया जी 480 माइनस, अब 176.625 को 2 से हम अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 88.31। यहाँ पर आ गया जी 88.31 आ जाएगा, माइनस आ गया जी 208। अब 480 में से ये दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 183.69 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा जी सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये 183.69 है ना, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 184 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 184, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी जी हमारे पास 184 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसी वैल्यू को हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रापेज़ियम का टोटल एरिया को फाइंड किया और सेमी सर्कल का जो एरिया है उसको फाइंड किया और माइनस हमने कर दिया पैरेललोग्राम। इन दोनों को हमने टोटल ट्रापेज़ियम का जो एरिया उसमें से माइनस किया तो हमारे पास जो शेडेड रीजन था ये आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इन तमाम पार्ट्स की समझ आई होगी। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।